हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है अभी सुबह से, और ये जो आप राखियाँ देख रहे हैं, ये जो क्लिप है ये एक दो दिन पहले की है, जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था। मैं डीमार्ट गई थी तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ मिल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि त्यौहार आते हैं तो देखिए कितने सारे मार्केट भी बहुत अच्छी सज जाती है। और ये देखिए पीहू यहाँ बैठी हुई है ट्रॉली पर। कैसे हैं आप सब? और मैं बस अभी शाम हो चुकी है, शाम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसा कि पहले आपने जो क्लिप्स देखी थी वो कल की थी। कल हम लोग गए थे डी मार्ट में थोड़ा सा अपना वो राखी देखने के लिए। आजकल बहुत सुंदर सुंदर मार्केट में राखियाँ आई हैं, और तो बस वही है। और हम लोग गए थे थोड़ी बहुत राखी देखने, तो राखी वाखी खरीद के लेकर के आए हैं हम लोग पीहू के लिए, जो पीहू बांधेगी और मैं बांधूंगी। तो वो सब राखियाँ मैं लेकर के आई हूँ, और मैं दिखाऊंगी अभी आपको अपनी शॉपिंग रक्षाबंधन की, क्या क्या हम लोगों ने ख़रीदा है, मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। तो बस यही है। और आज शाम हो चुकी है अभी। आज मैं डिनर में सोच रही हूँ पापड़ी चाट टिकिया बनाने के लिए, जिसको कुछ लोग यूपी में सुहाल पापड़ी चाट भी बोलते हैं, तो आज मैं वो बनाऊँगी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नीचे कुछ काम से, थोड़ा बहुत सामान लेकर के आऊँगी। और इधर पीहू खड़ी है, पीहू से हाय। तो बस मैं नीचे जाऊंगी और नीचे से थोड़ा सामान लेकर के आऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है अपने रक्षाबंधन की तैयारी के लिए। तो चलिए फिर मैं नीचे से होकर के आती हूँ, और फिर मैं जब डिनर बनाऊंगी तब आपको मिलूंगी, और फिर फाइनली आपको अपना सामान दिखाती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं यहाँ सबसे पहले बनाऊंगी पापड़ी, यानी कि जो मैदे की पापड़ी होती है वो। इसके लिए मैंने मैदा लिया है, इसमें अजवाइन डाला है और थोड़ी सी सूजी डाल दी है। मोइन के लिए मैंने इसमें ऑयल डाला है और नमक डाल के मैं इसको एक अच्छा डो बना लूँगी, मतलब कि जैसा आटा सानते हैं वैसे इसको सान लूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसको ज़्यादा देर रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको रखना है। और अब मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी, कढ़ाई गर्म करके मैं इसमें तेल डालूँगी, और फिर इसको छोटी, आपको जो भी शेप बनाना है वैसे आप पापड़ी बना सकते हैं। पापड़ी फूले ना, इसके लिए मैं चाकू से उसको गोद दूंगी जिससे कि वो फूले ना। आप चाहें तो आप बेलन की हेल्प से भी उसको दबा देंगे, तो बस वो कैसे भी करके वो फूलनी नहीं चाहिए, वरना वो पूरी का शेप ले लेगी। तो बस तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब मैं पापड़ी बनाऊँगी, और फिर इसको फ्राई करके एक साथ निकाल करके रख लूँगी।
आठ दस पापड़ी जितनी मुझे बनानी थी वो मैंने बना ली है। एक लोई बज रही थी तो मैंने सोचा चलो इसके नमक पारे बना लेते हैं नमकीन खुरमे, तो वही एक लोई का मैं इसको नमकीन खुरमे बना रही हूँ और काट के फिर मैं इसको भी फ्राई करके निकाल लूँगी, जो कि चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं इसको कट कर रही हूँ और फिर मैं जल्दी से इसको भी फ्राई कर लूँगी। अब मैं चाट को गार्निश करने के लिए यहाँ प्याज, महीन महीन टमाटर और खीरा को कट कर रही हूँ, और जिससे कि जब हम टिकिया बनाएंगे चाट के उसके ऊपर डालेंगे। और ये मैंने मटर भी उबाल ली है, अब मैं इधर टिकिया भी बना रही हूँ। टिकिया मैं पहले ही बना के आपको अपने पहले वाले वीडियो में जिसमें रगड़ा पेटीज़ मैंने बनाया था मैंने उसमें दिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बस मैंने इसमें साबूदाना एक्स्ट्रा ऐड किया है तो जो कि काफ़ी अच्छी मतलब टिकिया बन गई है, और मैं इसको तवे पे थोड़ी सैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो बस इस तरह से टिकिया बना लूँगी और फिर हमारी पापड़ी भी बन गई है और चटनी भी है, तो बस फिर जल्दी से अपनी फिर टिकिया को सर्व करते हैं गर्मा गर्म। तो हमेशा की तरह अब आ गए हैं वर्मा जी और अपनी पापड़ी चाट खुद से बना रहे हैं। वो उसके ऊपर मटर डालेंगे, फिर थोड़ा प्याज टमाटर और सब कुछ डालने के बाद चाट मसाला चटनी डाल करके वो अपने लिए प्लेट लगा रहे हैं, और फिर इसमें ही वो थोड़ी सी अपनी टिकिया भी लगा लेंगे। और यही आज का हमारा डिनर है, तो हम लोग आज यही खाने वाले हैं। और वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ, अभी आपको खुद ही वर्मा जी बताएंगे कि ये कैसा बना है और कैसा टेस्ट है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये पापड़ी चाट कैसी बनी थी। पापड़ी, मटरा, तो अब मैं अपनी पापड़ी चाट लगाऊंगी और ये है मेरी टिकिया और मेरी पापड़ी। तो बस मैं जल्दी से खा करके फिर आपसे जल्दी से मिलती हूँ और बताती हूँ कि ये टिकिया चाट कैसी बनी है। दिखाती हूँ कि मैंने रक्षाबंधन की तैयारी के लिए क्या क्या कर लिया है। जैसा कि आपने देखा हमारा डिनर हो चुका है और डिनर में आज मैंने बनाया था पापड़ी चाट और सोहाल पापड़ी टिकिया और साबूदाने की टिकिया। मेरे हस्बैंड ने कहा इसमें थोड़ा साबूदाना मिक्स कर दो इस बार, तो मैंने वही किया और काफ़ी अच्छा बना था, बहुत यमी था। तो हमारा डिनर विनर हो गया है। तो रक्षाबंधन की तैयारी के लिए मैंने एक तो मेहंदी का कोन लिया है, जैसे सभी जानते हैं भाई रक्षाबंधन है मेहंदी लगानी होगी, और पीयू के स्कूल में कुछ फंक्शन है तो उसका भी वीडियोस बहुत जल्दी मैं डालूंगी, तो वो भी आप लोग ब्लॉग में देखिएगा। तो उसके लिए मैंने ये एक लिया है, ये सेफ्टी पिन, और वाइट कलर की ये कुमकुम बिंदी ली है मैंने उसके कुछ मेकअप के लिए, तो वो सब आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है। और मैंने ली है कुछ राखी क्योंकि रक्षाबंधन है और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि खरीद रक्षाबंधन में तो राखियां तो आनी ही हैं, तो मैंने कुछ राखियां ली हैं और ये है तो राखी।
राखियाँ हैं जो कि बांधी जाएंगी, तो गिर गई थी राखी वही मैं उठा रही हूँ। तो बस इतना ही है। और एक चीज़ और मैंने लिया है, वो पीहू के लिए है। तो पीहू अभी उधर चली गई है, वरना मैं आपको दिखाती हूँ उसे। और बस इतना ही था, इतना ही सामान राखी। बाकी तो स्वीट डिश बनाएंगे, मतलब तैयारियों में स्वीट डिश होगी, जिसमें मैं बहुत जल्दी लौकी की बर्फ़ी बनाने वाली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और लड्डू तो घर पे रखे ही हैं। तो ये है पीहू, कम यार पीहू कम, ये हटाइए। आइए आप अपनी वो दिखा दीजिए, आपने क्या पहन रखा है। ये देखिए पीहू ने क्या पहन रखा है, बहुत ही प्यारी सी नथ है। तो पीहू के स्कूल में कुछ फंक्शन होना है, तो उसी के लिए मैंने ये लिया है। तो मैं इसको, आप जाओ खेल लो, तो वो बनाऊंगी मैं पीहू का व्लॉग, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश कर देती हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं था आज के व्लॉग में, और बस मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय।